नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका चेतन होम बिल्डिंग डिजाइन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लाइव प्लानिंग देखोगे कि किस तरह से हमें अगर 20x25 के प्लॉट साइज में अगर प्लानिंग करना हो तो बेस से लेके स्लैब तक किस तरह से हम उसकी प्लानिंग करेंगे, किस तरह से कॉलम फाउंडेशन देंगे A to Z, शुरू से लेके लास्ट तक इसमें हम कंटिन्यू लाइव प्लानिंग के साथ एंड करेंगे इसका। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्लान के साथ आगे, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से 20x25 का प्लॉट एरिया शो हो रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग प्रकार की प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाता है, ये हमारे पर्सनल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के तौर पर हम ये कार्य करते हैं। अगर ये आपके जीवन में या दिनचर्या में या फिर आपके आवश्यकता के लिए अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारी प्रैक्टिस और हमारा एक्सपीरियंस किसी के काम आ रहा है। तो दोस्तों, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, और यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की प्लानिंग देखने को मिलेगी, और एलिवेशन भी 3D एलिवेशन भी देखने को मिलेगा। आप चाहे तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, और विजिट करके यहाँ से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हर प्रकार की प्लानिंग सर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई प्लानिंग ना भी हो जो आपके लिए उपयोगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे उस पर भी एक प्लानिंग करके और वीडियो के साथ उसे अपलोड करेंगे, और उसमें भी हम पूरे डिटेल में उसको समझा करके और डालेंगे। हो सकता है ये आपको काम ना आए, लेकिन जो प्लानिंग आप पूछ रहे हो वो किसी और के काम आ जाए, या जो हम बना रहे हैं एक्सपीरियंस के तौर पर वो किसी के और के काम आ जाए। तो पर्पस हमारा यही है कि हम खुद भी सीखें, और सीखते सीखते हमारी सीख किसी दूसरे के सीखने के भी काम आ सके। तो दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं इसे अलग अलग जगह के अलग अलग प्रदेश के लोग भी देखते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको खाली सीखने को मिलता है या फिर आपको एक गाइडलाइंस मिल जाती है, लेकिन आप अगर घर बनाने के लिए एकदम पूरी तरह से मेंटर चाहिए आपको या फिर पूरी तरह से गाइडलाइंस चाहिए, तो आप अपने नियरेस्ट किसी इंजीनियर से ज़रूर टच में रहें, या फिर किसी इंजीनियर से ज़रूर आप कंसल्ट करें, ताकि उससे आपको डिटेल सजेशन मिल सकें। और दूसरी बात और है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि हम 5,000, 4,000 रुपये या 2,000 रुपये इंजीनियर को ना देके और खुद ही अपने इंजीनियर बनके और कार्य शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका जो ये प्लानिंग का पैसा है, कहीं ना कहीं ये आपको इंजीनियर भले ही आपसे 2,000 रुपये लेगा, 3,000 रुपये लेगा, लेकिन ये आपका 10,000, 15,000, 20,000 जरूर बचा के देगा। तो बिल्कुल आप अपने इंजीनियर से कंसल्ट करें और हमारे चैनल पर भी विजिट करें, ताकि मोटा मोटा आपको यहाँ से भी सीखने को मिल सके, और उसके बाद आप अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू जारी रख सकें। तो बस दोस्तों, तो इतना ही आपके साथ शेयर करना था और बताना चाह रहा था कि अगर आपको किसी भी प्रकार के प्लान या एलिवेशंस पर कंसल्ट करना हो या फिर प्लानिंग कर रहे हो, तो आप बेशक हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ कंटिन्यू बढ़ते हैं आगे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरा A to Z यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कर देना, ताकि आप न सही किसी और के काम ये जरूर आ सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।
Thank you.